हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्राई पैन में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं। जैसे सरसों का तेल गरम हुआ तो मैंने इसमें राई, हींग, सूखा धनिया, अजवाइन, जीरा, काले मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और काला नमक डाल लिया है, और साथ में थोड़ी सी हल्दी डाली है, करी लीव्स के थोड़े से पत्ते डाल लिए हैं, और नमक डालने के बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, साथ में चिल्ली फ्लेक्स भी इसमें मैंने डाल लिए हैं, और मैंने फ्रेश अदरक, लहसुन, धनिया और मिर्चों का जो पेस्ट होता है वो भी इसमें मिक्स कर लिए। मसाला जले ना तो इसलिए गैस मैंने बिल्कुल स्लो रखी है। अब मैंने इसमें 3 उबले हुए आलू मैश करके डाल लिए हैं, साथ में भुना जीरा पाउडर डाला है और साथ में फ्रेश धनिया भी डाल लिया है। जैसे मसाला और आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो हम गैस को बंद कर देंगे। पहले इनको एक बारी अच्छी तरह से भून लेते हैं। जब इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो गैस बंद कर देंगे। आलूओं को ठंडा करने के लिए साइड पर रख देते हैं। अब एक साफ बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, आधे कप से भी कम मैंने पानी डाला है, और उसमें मैंने साबुत अजवाइन डाली है, भुना कूटा जीरा डाला है, साबुत जीरा डाला है, काली मिर्चों का पाउडर डाला है, नमक मिर्च और हल्दी डालने दो चम्मच के करीब मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी मैरिनेशन को। तो इस मैरिनेशन में सरसों का तेल डालने के बाद अब मैंने इसमें पनीर के पीसेस को डिप कर लिया है 5 मिनट के लिए। अब पनीर के पीसेस को दोनों तरफ से अच्छी तरह से इस मैरिनेशन में कोट करेंगे, तो एक फोक की मदद से इनको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे इस मैरिनेशन में, और 5 मिनट के बाद इनको बाहर निकाल लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। इस मैरिनेशन को हमने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अब इसी में मैं बेसन डाल रही हूँ 1 कप। अब बेसन को इस मैरिनेशन के साथ मिक्स कर लेते हैं। बैटर बहुत भी ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स किया है, ताकि जो बैटर है वो इतना थिक हो जिससे कि हमारा पनीर को ये कोटिंग आराम से लग जाए। तो ये देखिए, हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब एक पनीर के पीस पे मैंने जो आलू ठंडे करके रखे हैं वो हम थोड़े थोड़े लेके इस पे लगाते जाएंगे पनीर के पीस के ऊपर, और उसको हाथों की मदद से दबा भी देंगे, और ऊपर हम दूसरा पनीर का पीस रख लेंगे। इस तरह से बाकी सारे पनीर को हम ऐसे ही आलूओं से फिल कर लेते हैं। जब तक हम ये फिलिंग भरेंगे तब तक मैंने गैस पे तेल चढ़ा दिया है गरम करने के लिए, और अब इस फिलिंग को हम बेसन का जो हमने घोल बनाया है उसमें डिप कर लेंगे। अब हम एक एक करके इन सभी पीसेस को बेसन वाले घोल में डिप कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको कवर कर लेंगे, और ये अच्छी तरह से जब कवर हो जाएगा बेसन से तो इसको अब हम गरम तेल में डाल लेते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो अब सारे पीसेस को इस तेल में डाल लेते हैं और गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इनको अभी हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। 5 मिनट के लिए इनको स्लो आंच में ही पकने देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेते हैं पकौड़ों की। तो ये देखिए, एक तरफ से ये पक गए हैं, तो अभी एक तरफ से तो ये कच्चे ही हैं, तो इसको स्लो आंच में ही रहने देंगे। सारे के सारे पकौड़ों को पलटने के बाद अब इनको फिर से छोड़ देंगे ताकि ये स्लो हीट में पक जाएं अच्छी तरह से। दोस्तों, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। मेरे चैनल होम शेफ 283 को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी किया करें और साथ में कमेंट भी दिया करें। तो दोस्तों, हमारे पकोड़े तो बनके तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी से हमारे पकोड़े बने हैं, और इनको हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ। अब सारे पनीर के पीसेस को चाकू की मदद से काट लेते हैं सेंटर से। तो ये देखिए, हमारी आलू की फिलिंग कितनी अच्छी नजर आ रही है। जितने प्यारे ये पनीर के पकोड़े नजर आ रहे हैं, उतने ही खाने में ये बहुत ही टेस्टी और चटपटे हैं। तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, आप सबको भी ये बहुत पसंद आएगी। बड़े मजे के लगते हैं ये पनीर के पकोड़े आलू की फिलिंग के साथ, बहुत ही चटपटा सा स्वाद आता है। तो ये रेसिपी इस तरह से आप जरूर बना के देखें।